हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स विद आयशा। हम पढ़ेंगे आज कमर्शियल आर्ट, मतलब जो भी एक्चुअली थ्योरी पोर्शन है हम उसे कवर करेंगे। तो जैसा आप सब जानते हैं, ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जैसे अगर आपके पास साइंस है, बायो है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसके साथ अगर आप कमर्शियल आर्ट लेते हैं तो ये एज अ स्ट्रेस बस्टर काम करता है, या आप फ्री टाइम में भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ओवरऑल समरी ऑफ द चैप्टर्स, कि मतलब हमारे सिलेबस में क्या क्या है ट्वेल्थ क्लास के। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, थ्योरी पोर्शन आएगी हमारी 40 मार्क्स की और मेजॉरिटी जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा 60 मार्क्स का। थ्योरी में हमारे पास 1, 2, 3, 4 यूनिट्स हैं और सारी यूनिट 10 मार्क्स की हैं। तो फर्स्ट यूनिट में हमारे पास 2 सब यूनिट्स हैं, राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। फिर अब हम अगर अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। बेसिकली इसमें स्कूल्स जो हमारे कैसे आए इंडिया में उसके बारे में ही हैं। और यूनिट 3 हमारी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, इंडियन नेशनल फ्लैग एंड बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। इसमें हम इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग पढ़ेंगे, कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो एक्चुअली इवॉल्व कैसे हुआ, और बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। और यूनिट 4 भी हमारी 10 मार्क्स की है, मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट। इसमें हम एक्चुअली मॉडर्न पेंटिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 है हमारे पास राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसमें इंट्रोडक्शन होगा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, जो ये स्कूल है ये ओरिजिन कैसे हुआ और इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। सब स्कूल्स हैं हमारे पास मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर। फिर हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है कि जो आर्टिस्ट थे उन्होंने किस किस टॉपिक पे पेंटिंग्स बनाई थी, उनका सब्जेक्ट मैटर क्या था, सेंटर थीम क्या था। फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स, जो हमारे सब स्कूल की जितनी भी पेंटिंग्स बनी थी उनके मेन फीचर्स क्या क्या थे। और फिर लास्ट में फाइनली और सबसे इंटरेस्टिंग स्टडी ऑफ पेंटिंग्स। हमारे पास टोटल 6 पेंटिंग्स हैं स्कूल में, हम एक एक पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। मारू रागिनी पहली पेंटिंग है, उसका टाइटल्स, ये टाइटल्स हैं आर्टिस्ट और हमारे सब स्कूल्स। टाइटल मारू रागिनी, आर्टिस्ट साहिब दीन, सब स्कूल मेवाड़। ये मेवाड़ सब स्कूल में बना हुआ एक पेंटिंग है और इनके आर्टिस्ट हैं साहिब दीन। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, उत्कत राम, बूंदी। चौगन प्लेयर दाना, जोधपुर। कृष्णा ऑन स्विंग, नूरुद्दीन, बीकानेर। राधा बनी ठनी, निहाल चंद, किशनगढ़। भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट, गुमन, जयपुर। तो अगर आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में बनाकर लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेसिकली ईजी पड़ेगा लर्न करने के लिए, और बार आप एक ही वन गो में इसे पूरा। तो हमारे पास पहली पेंटिंग है मारू रागिनी, टाइटल मारू रागिनी, आर्टिस्ट साहिब दीन, सब स्कूल मेवाड़, मीडियम टेम्परा ऑन पेपर। मैं आपको बता देती हूँ कि ये टेम्परा ऑन पेपर है क्या। एक्चुअली क्या होता था, पहले हमारे पास कलर्स नहीं होते थे जैसे आज के टाइम पे हैं, तो पुराने आर्टिस्ट लोग क्या करते थे, पाउडर के फॉर्म में या फिर पाउडर के फॉर्म में कलर्स लेके उसे ग्लू और एग्योल के साथ मिक्स करके पेंटिंग करते थे। ये बेसिकली सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। और हमारा टाइम है 18th सेंचुरी, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ये है हमारे पास पहली पेंटिंग जिसका नाम है मारू रागिनी। तो सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी पड़ेगी सब्जेक्ट मैटर। मारू रागिनी इज़ द पेंटिंग फ्रॉम रागमाला सीरीज पेंटेड बाय साहिब दीन, द कोर्ट पेंटर ऑफ मेवाड़। इन दिस पेंटिंग द किंग विथ हिज क्वीन इज राइडिंग द कैमल अगेंस्ट द येल्लो ऑकर बैकग्राउंड। येल्लो ऑकर मीन्स एकदम डार्क येल्लो कलर, थोड़ा सा ऑरेंज शेड के साथ। कंपोजिशनल अरेंजमेंट, अब हम देखेंगे इस पेंटिंग में है क्या। इन दिस पेंटिंग द किंग विथ हिज क्वीन, एक किंग है और एक क्वीन है, दोनों कैमल पे राइड कर रहे हैं इन द डेजर्ट। पूरा डेजर्ट का एरिया है पीछे, क्योंकि राजस्थान में बेसिकली तो डेजर्ट ही है। बोथ किंग्स एंड क्वींस आर वेली वेयरिंग हाईली ऑर्नामेंटेड ड्रेसेस, दोनों पूरे प्रॉपर डेकोरेटेड हैं, हाईली ऑर्नामेंटल ड्रेसेस पहन रखे हैं इन्होंने। इवन द कैमल्स डेकोरेशन इज फिटिंग टू ओकेजन, मतलब जो कैमल है वो भी सिंपल नहीं है, वो भी पूरा डेकोरेटेड है ऊपर से नीचे तक, आप देख सकते हैं। जैसे कि द कैमल इज वॉकिंग स्लोली लेड बाई एन अटेंडेंट, एक अटेंडेंट है जो कैमल को डायरेक्शन दे रहा है।
द फोर ग्राउंड इज पेंटेड इन लाइट वॉशेज ऑफ ग्रीन कलर्स. जो हमारा फोर ग्राउंड है मतलब आगे वाला ग्राउंड है उसमें हम देख सकते हैं थोड़ा ग्रीन ग्रीन कलर से हमने थोड़ा घास बना रखी है. टू मेल एस्कॉर्ट्स, दो साथी भी हैं, राजा के दो साथी भी हैं जिनके हाथ में डंडा है और उन्होंने स्क्रैबर्स और स्कैम्बल्स तलवार भी पकड़ रखी हैं और एक लीच डॉग उनके आगे आगे चल रहा है. तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करके एक एक पार्ट लिखनी पड़ेगी पेंटिंग की. द पेंटिंग इज सराउंडेड बाई ए सिंपल येलो बॉर्डर. जैसा कि आप देख सकते हैं एक सिंपल सा ऑरेंज कलर का बॉर्डर है जिसमें ये पूरी पेंटिंग आई हुई है. और इसमें क्या है, कैलीग्राफी वर्क भी करी हुई है. उस ऊपर हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है, कैलीग्राफिक वर्क जो हमारे पुराने जो साहिब दीन है उन्होंने कर रखी है. कैलीग्राफी वर्क इज शोन इन द टॉप ऑफ द पेंटिंग. अ स्मॉल पार्ट ऑफ स्काई इज शोन इन डार्क ब्लू कलर. जो हमारे पास पहले की पेंटिंग्स होती थी उसमें बेसिकली हाई होरिजन दिखाया जाता था. ये इन्होंने स्काई दिखा रखी है ब्लू कलर से ऊपर की पोर्शन में, जैसा कि आप देख सकते हैं. अब आपको लिखना है कलर स्कीम के बारे में कि इस पेंटिंग में कौन कौन से कलर्स यूज़ हुए हैं. ब्राइट कलर्स आर यूज बाय द आर्टिस्ट. एकदम तड़कती भड़कती सी ब्राइट कलर्स यूज़ करी है आर्टिस्ट ने. द स्काई इज शोन इन डार्क ब्लू. द ड्रेसेज ऑफ द फिगर्स आर इन ब्राइट कलर्स, रेड ऑरेंज ब्लू इन सब की ड्रेसेज दिखाई गई हैं किंग और क्वीन की. द बॉर्डर ऑफ द पेंटिंग इज पेंटेड इन ऑरेंज कलर. पूरा बॉर्डर ऑरेंज कलर में. तो फ्रेंड्स पहली पेंटिंग हमने कवर कर ली है. पूरी पहली पेंटिंग में यही था. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें. सो थैंक यू.